मेरा नाम है मोइन हैदर और आज इस टॉपिक पे बात करना है। बहुत अहम टॉपिक है, वो इस तरह से अहम है, हमारे मासूम बच्चे और कुछ वो बच्चे जो के अनजाने में बहुत कुछ कर जाते हैं, उनके लिए बात करने आया हूँ आज। मोबाइल और बच्चों के दरमियान जो कशीदगी है, जो गुस्सापन है, उसको मैं डिस्कवर करूँगा आज इंशाल्लाह। तो मेरी पूरी वीडियो देखिएगा और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नई अपडेट्स आपको ज़रूर मिल पाएँ। तो वीडियो शुरू करते हैं। 1 से 7 साल के बच्चों के लिए मैं पहले बात करूँगा, यह बहुत मासूम बच्चे होते हैं, हम उनके साथ बहुत जुल्म करते हैं। आजकल क्या है, उनकी रोटी भी मोबाइल है, उनका खाना भी मोबाइल, उनका पीना भी मोबाइल, खेलना भी मोबाइल, हर तरफ मोबाइल ही है। बच्चों को गेम्स इतनी पसंद हैं कि उनके नए नए लेवल करने पे उनका सारा ध्यान है, जहाँ पे भी होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं हर वक्त। तो बच्चों के लिए मोबाइल साइंसी लिहाज से बहुत ख़तरनाक है, किसी भी किस्म की स्क्रीनिंग, चाहे टीवी हो, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है बच्चे के लिए। तो हमें इस तरफ थोड़ा सा ध्यान करना होगा कि हम अपने बच्चों को कैसे बचा सकें, हम फिज़िकली उनकी परवरिश करें, ना कि हम मोबाइल के थ्रू उनकी परवरिश करवाएँ। असल में मोबाइल ही उनकी परवरिश कर रहा है। एक वक्त आएगा कि हम उस वक्त को पछताएंगे कि हमने परवरिश की होती बजाय इसके कि मोबाइल ने की। ये वो जनरेशन है जिसने हमें आगे जाके संभालना है। अगर हम आज इस पर ध्यान नहीं देंगे तो इसका मतलब ये होगा इस जनरेशन को आगे जाके मोबाइल संभालेगी। तो मोबाइल संभालेगा तो मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा माशरे में रहना। तो इसलिए हमें इस बात पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आज हम बच्चों से पूछेंगे कि उनको मोबाइल कैसा लगता है। तो आइए हम पूछते हैं, क्या नाम है बेटा आपका? अफान। अफान है तो बेटा, आपको मोबाइल कैसा लगता है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, उसमें ऐसा क्या अच्छा है? YouTube अच्छी है। अच्छा, और उसमें गेमिंग करते हो? हाँ जी। कौन सी गेम खेलते हो? लूडो स्टार। क्या बात, आपको अच्छा लगता है? हाँ जी। आपको भी अच्छा लगता है? आपको मोबाइल चलाना आता है? हाँ जी। क्या बात है, और आप क्या खेलते हो? वाह जी वाह। और आप? मैं भी पबजी। पबजी खेलते हो आप? मैं भी पबजी। देखें भी आजकल के बच्चे। और कुछ कमेंट हो मोबाइल के बारे में? हम GTA 5 भी पसंद है। GTA 5? हाँ जी। आपको खेलनी आती है? इतनी बड़ी गेम है, इतने से आप देखने में भी अच्छी लगती है बस। क्या बात है, मतलब कि YouTube पे आप GTA 5 देखते हो? ये आपका नाम? अली हसन। तो बेटा, आपको मोबाइल कैसा लगता है? हमें बहुत अच्छा मोबाइल लगता है। हम शाम को बैठ के गेम खेलते हैं। अच्छा। और उसके बाद पार्क में आते हैं, एंजॉय करते हैं। अच्छा। बहुत ही अच्छा लगता है। अगर पार्क ना खुले, स्कूल ना खुले तो अच्छा है। अच्छा, स्कूल ना खुले तो अच्छा है, स्कूल जाने का दिल नहीं करता यानी कि। अच्छा, तो बेटा आपका क्या कहना है? इधर आओ, बात सुनो, आपका क्या कहना है? हमारा कहना है कि हम हर रोज गेम करते हैं, स्कूल खुले ही नहीं। अच्छा। तो मोबाइल आपको कैसा लगता है? मोबाइल बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, पार्क में ज्यादा खुशी होती है कि मोबाइल यहाँ पे आके ज्यादा खुशी होती है? यहाँ पे आके बहुत खुशी। और मोबाइल अगर हो? मोबाइल पे भी खुशी है, पार्क में भी खुशी है, इन दोनों में से ज्यादा किस में खुशी है? पार्क में। मोबाइल में खुशी है। बात आ जाती है 7 से 14 साल के बच्चों के लिए कि हम मजबूरी में या उनकी जिद की वजह से उन्हें मोबाइल तो ले देते हैं, लेकिन उनकी मोबाइल पे निगरानी कैसे की जाए, सबसे बड़ा मसला ये है। उसका भी हल है। हल इस तरह से है कि हम प्ले स्टोर, सभी के मोबाइल में होता है, उससे हमने गूगल फैमिली लिंक्स फॉर पेरेंट्स, ये एक नामी ऐप है, इसे डाउनलोड करना है दोनों मोबाइलों में, अपने बच्चे के भी और अपने मोबाइल में भी। अपने मोबाइल को आपने सुपरवाइज करार दे देना है और अपने बच्चे के मोबाइल में दी गई हदायत को सबको फिल करने के बाद आपका कुछ ऐसा होगा कि दोनों मोबाइल का लिंक आपस में जुड़ जाएगा। इससे ये होगा कि आपका बच्चा आपके मोबाइल पर, अपने मोबाइल पर कुछ भी करता है, डाउनलोडिंग करता है, देखता है, कितना टाइम स्पेंड करता है, गेमिंग करता है, वो आपको ज़रूर पता चलता रहेगा।
और दूसरा जब भी वो कोई नई चीज़ अपलोड करेगा या देखेगा कुछ भी करेगा तो वो सबसे पहले ब्राउज़र आपसे इजाज़त मांगेगा कि क्या हम आपके बेटे को इजाज़त दे दें कि वो ये चीज़ देख ले या ये चीज़ डाउनलोड कर ले। तो आप इजाज़त देंगे तो ये काम हो पाएगा। और किसी भी चीज़ को डिसेबल इनेबल आप कर सकते हैं आसानी से। दूसरी चीज़, आपने डू नॉट ऑटो प्ले का एक ऑप्शन होता है, वो आपने जाके ऑन करना है ताकि कोई भी वीडियो ऑटो प्ले ना हो। तीसरी बात, पेरेंट कंट्रोल होता है हमारी क्रोम सेटिंग में, तो उसे जाके पेरेंट कंट्रोल को भी ओपन करेंगे। इससे कुछ ऐसा होगा कि आप कुछ ऐसा मवाद होगा जिससे अपने बच्चे को बचा पाएंगे। तो इन सब चीज़ों के बाद आपका बच्चा कुछ हद तक सेफ रहेगा और आपके पास उसकी सारी डिटेलिंग होगी कि आप वो बच्चा आपका क्या कर रहा है मोबाइल पे। मुझे इजाज़त दे, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।